ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मासिक फल को लेकर है। जो आपका अप्रैल मंथ स्टार्ट हो रहा है वो हर लगन वाले जातकों के लिए कैसा व्यतीत होगा, इस पर मैं पूरा A to Z आपको विवरण देने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस अप्रैल मंथ में क्या क्या ट्रांजिशन होने जा रहे हैं प्लैनेट्स के। तो सबसे पहला जो ट्रांजिशन होगा वो 28 मार्च को जो गुरु की राशि परिवर्तन होगी, यानी 1 अप्रैल को जब आप देखिएगा तो गुरु अपना राशि परिवर्तन करके वो धनु राशि में चले जाएंगे, अपने खुद के घर में चले जाएंगे और वहाँ पर शनि और केतु के साथ विराजमान होंगे। तो सबसे पहला ट्रांजिशन जो है वो मंथ स्टार्टिंग में ही 28 मार्च के करीब ही गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो सबसे पहला आपको दिखाई देगा। उसका इफ़ेक्ट आपको तत्कालिक दिखाई देगा, क्योंकि जब 1 अप्रैल का टाइम आएगा तब तक वो राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। अब 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को गुरु वक्री हो जाएंगे, और जब ये गुरु वक्री हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये 9 से फिर ये धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और फिर 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि में फिर ये चले जाएंगे। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, मासिक राशि फल में क्या इफेक्ट होगा। अगला जो ट्रांजिशन होगा वो मरकरी का 11 अप्रैल को ट्रांजिशन होगा, और मरकरी जो है मीन राशि में अपनी नीच राशि मीन में पहुँचेगा, और मेष यहाँ पे जो बुध अपनी नीच राशि में यानी मीन में जब ये पहुँचेगा वहाँ पर सूर्य की उपस्थिति रहेगी, लेकिन 16 अप्रैल को उस समय 16 अप्रैल का जो टाइम होगा उस समय यानी 10 से लेके अगर मैं 11 से लेके 15 तक की बात करूं तो सूर्य 11 से 14 तक तो सूर्य जो रहेंगे वो बुध के साथ द्वादश स्थान पे रहेंगे, लेकिन 14 अप्रैल को ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य उच्च के हो जाएंगे। और जब सूर्य उच्च के होंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ हर एक लगन वाले जातकों पर पॉजिटिव निगेटिव जो भी इफ़ेक्ट होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बुध शुक्र की जो पोजीशन होगी वो 16 अप्रैल को पुनः बुध के साथ और बुध और शुक्र का फिर एक युति बनेगी, और ये युति जो होगी द्वादश स्थान पे होगी जहाँ पर शुक्र उच्च का होगा, और शुक्र उच्च का होकर नीच के बुध का जो नीच भंग है वहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएगा जिससे कि बुध अपना निगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगा। उसके बाद बात किया जाए तो शनि केतु और राहु अपने उसी पोजीशन पर रहेंगे जैसा कि मार्च के पोजीशन में थे, इनका बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। राहु केतु ऑलरेडी 7 मार्च को अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 30 मार्च के करीब शनि का वक्री गति स्टार्ट होगा, और इसका क्या इफेक्ट होगा ये इस मास की इस अप्रैल मंथ के राशिफल पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद ये जो मई का महीना स्टार्ट होगा उस मई में इसका इफेक्ट वक्री शनि का इफेक्ट अलग अलग राशियों पे अलग अलग होगा। अब हम बात करते हैं गुरु शनि मंगल, अब मंगल की बात करते हैं। मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में उपस्थित रहेंगे, और वृषभ राशि में उपस्थित होने के कारण इनका जो योग बनेगा वो अलग अलग राशियों पर कैसा होगा वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम एक एक करके राशिफल को समझते हैं। लगन के बारे में बात करें, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्शन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन लगन। तो तुला लगन में आप देखिएगा लग्नेश जो होता है वो शुक्र होता है, जो कि लगन और अष्टम दोनों का स्वामी होकर रहता है, और गोचर में इसकी जो पोजीशन है वो अभी आपके पंचम स्थान में थी, बुध के साथ थी, तो निश्चित रूप से ये जो ड्यूरेशन था वो आपके शिक्षा में आपको पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया होगा और आपको शिक्षा में ज़रूर सफलता दिलाया होगा। जो स्टूडेंट वर्ग हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ाई कुछ ज़्यादा करा के आपको पढ़ाई के कारण एक अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए ये बाधित था। तो ये काम बुध और शुक्र ने ऑलरेडी कर दिया है, और ये अप्रैल 10 को जब बुध का ट्रांजिशन होगा और ये खुद तृतीय और द्वादश स्थान
द्वादश और नवम स्थान के मालिक होकर खुद छठवें स्थान पे जाएंगे तो बुध नीच अवस्था में हो जाएंगे, और वहाँ पे जब शुक्र के साथ ये बैठेंगे तो शुक्र जिस राशि में बुध नीच के होते हैं उसी राशि में शुक्र उच्च के हो जाया करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, जिस कारण से आपको जो आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा के लिए आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, क्योंकि विदेश यात्रा को खुद भी देख रहा है और वो अपना निगेटिव इम्पैक्ट की जगह ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा, तो सुदूर यात्रा आपको ज़रूर कराएगा। और देखा जाए शुक्र जो है आपकी कुंडली में, क्योंकि लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो इसलिए शुक्र की जो पोजीशन है वो उसका ट्रांजिट जैसे ही अपन उच्च राशि में जाएगा तो आपकी आयु में वृद्धि करेगा, आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ख़त्म करेगा, और वैसे भी सूर्य की पोजीशन अभी जो है 14 अप्रैल से पहले पहले सूर्य जो है आपके शत्रुओं का नाश, यानी शत्रुहंता ऑलरेडी बनकर बैठे हुए हैं, तो सूर्य आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल को जब सूर्य सप्तम स्थान पे जाएंगे उच्च के हो जाएंगे, तो उच्च के होने के कारण आपको थोड़ा सा आपके स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार ला सकते हैं, या आपके जो जीवन साथी हैं उनके स्वभाव में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आना, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं स्वभाव में चेंजिंग आ जाना, अहंकार बढ़ जाना, ऐसा इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर अहंकार से बचना चाहिए जीवन साथी को, और साथ में मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सूर्य को जो यहाँ पर जो पोजीशन है सप्तम स्थान में, सूर्य की जो पोजीशन बन रही है उस पोजीशन में आप अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं आप यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए टाल दीजिए, क्योंकि उच्च का सूर्य हो चुका है और इनकम का स्वामी हो चुका है। इनकम का स्वामी हो के अगर सूर्य उच्च का बैठा हो तो ठीक है, पार्टनरशिप के लिए तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया और इनकम भी ये बढ़ाएगा, लेकिन सूर्य एक थोड़ा सा गर्म प्लैनेट है, जहाँ पर बैठता है उस भाव से रिलेटेड सुख को कमी करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देगा आपकी पत्नी को, या अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके पार्टनर को यहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इनकम कहीं ना कहीं से ये आपको बढ़ाएगा ही, बड़े भाई बहनों का निश्चित रूप से यहाँ पर आपको साथ मिलेगा। और अगर देखा जाए कुंडली में बाकी प्लैनेट की पोजीशन को, तो आपका जो गुरु की जो पोजीशन होगी वो 10 अप्रैल तक ये मार्गी गति में रहेंगे, और 10 अप्रैल के बाद ये पुनः वक्री हो जाएंगे, और 22 अप्रैल को ये फिर धन स्थान पे चले जाएंगे। जब ये धन स्थान पे जाएंगे तो मंगल की राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर धन संबंधित प्रॉब्लमों को दूर करेंगे, लेकिन ये तृतीय स्थान पे जो शनि केतु और गुरु ये तीनों की स्थिति बन रही है, यहाँ पर जो विस्फोट योग बना हुआ था पराक्रम, जिससे कारण आपके छोटे भाई बहनों से आप लोग काफ़ी परेशान रहे होंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो गुरु के प्रेजेंस के कारण अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, लेकिन केवल ये प्रॉब्लम 22 अप्रैल तक ही कम होगी, उसके बाद गुरु का जो गोचर होगा वो द्वितीय स्थान पे जाएगा, तो गुरु पूरा लगभग नवंबर तक, नवंबर मिड नवंबर तक ये अपने उसी पोजीशन पे रहेंगे, तो गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो वापस अपने घर में चले जाएंगे वक्री होने के कारण, और पराक्रम और रोग दोनों के स्वामी होकर धन पे बैठेंगे। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ तो इस मंथ में आपका जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो कुछ हद तक गुरु शनि और केतु का जो युति बनी हुई है और उस पर उच्च के राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये एक बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि राहु खुद पिता के स्थान पे पहुंच जाए, राहु जो है अगर पिता के स्थान पे पहुंच जाए तो राहु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पिता को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पिता से थोड़े से अगर पिता के स्वास्थ्य में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य को ये बाधित करेगा थोड़ा।
और इसकी इस हालांकि अप्रैल 1 से लेकर 22 अप्रैल तक ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद फिर सडन पिता की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पिता पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारे प्लानिटरी पोजिशन आपके पक्ष में हैं, तो मैं ये कामना करता हूँ कि ये बाकी 1 अप्रैल से लेके पूरा 30 अप्रैल तक का माह आप सभी के लिए बढ़िया हो, तुला लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी बेहतरीन टाइम साबित हो। और इसके लिए केवल मैं एक ही उपाय आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, राहु को, क्योंकि राहु की पोजीशन जो है आपके आपसे व्यर्थ का काम भी कराएगा काफ़ी, क्योंकि उसकी दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम दृष्टि, वो मेहनत के स्थान पे, फिजूल मेहनत के स्थान पे पड़ रही है। तो उस कारण से आपको झूठ में इतना ज़्यादा वर्क कराएगा जिसका कोई आउटपुट आने वाला है नहीं। इसलिए ऐसे जातकों को राहु से रिलेटेड आपको जो काम होगा उसको राहु शांत करने के लिए आपको राहु का बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए सुबह शाम, कम से कम 11 11 बार तो डेली करना चाहिए, जिससे कि राहु के जो निगेटिव एनर्जी वो ख़त्म हो। हालांकि राहु उच्च का है, आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन इसकी कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि आपके लगन पे जा रही है, और जब भी किसी के लगन पे राहु बैठ जाता है या लगन पे दृष्टि डालता है तो उसको कन्फ्यूज़न, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में डाल देता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो उपाय बता रहा हूँ, राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए जिससे कि जो निगेटिव एनर्जी है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।